इनके पथरी थी और इन्होंने अभिषेक का तेल लगाया और प्रार्थना की। उसके बाद इनकी पथरी गैब हो गई। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हाँ कोई बात, मैं बोल देता हूँ। हाँ क्या हुआ था? पथरी, आखिर पथरी थी और फिर सही ठीक होगी। अभिषेक का तेल गया। अभिषेक का तेल और फिर अब नहीं है? कौन है तो क्या, आपको कैसे पता चला था अभी पथरी है? पहले मेरा दर्द होता था और मैं पेड़ीवाल से एक्स रख रहे ना, अल्ट्रासाउंड कराया। हाँ तो नर्म दान बताया, अभी रोटी नहीं खानी, अब मैं रोटी खा लेती हूँ, मेरे कोई दर्द नहीं होता। तो अल्ट्रासाउंड में पथरी आई है? पथरी आई थी। ओके सो ये बहन है और पहले दर्द होती थी और इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया और फिर उस अल्ट्रासाउंड में पथरी आई, लेकिन उन्होंने अभिषेक का तेल लगाया और प्रार्थना भी की, तब पथरी बाहर निकल गई, गायब हो गई। परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर मसीह जी। पूजा, 5-6 साल से इनके पैसे रुके हुए थे, तो ये बहन बुधवार की प्रॉफिट सुमन दीप की लाइव मीटिंग देख रहे थे। जब प्रॉफिट सुमन दीप ने कहा कि आपके रुके हुए पैसे मिलने जा रहे हैं, तो इन्होंने इस प्रार्थना को ग्रहण किया। वे अगले दिन इनके रुके हुए पैसे इन्हें मिल गए और उसी रात को इनके पति को प्रभु यीशु मसीह जी ने दर्शन भी दिया। हालेलुया, हालेलुया। सारे कलसिया नु जय मसीह दी, पास्टर जी नु जय मसीह दी। बुधवार नु मैं लाइव प्रार्थना सुनदी पई सी सुमन पास्टर जी दी, ते वो कहिंदे पए सी बई जिन्हां दे पैसे रुके हुए है ते प्रभु यीशु मसीह उन्हां ते दया करदा पिया, उन्हां नूं आशीष मिलदी पई है। ते मैं अपने पति दा नां लै के ओह रिसीव कीते सी पैसे प्रार्थना, ते उस तों बाद जी वीरवार नूं मेरे पति दे ओह रुके हुए पैसे मिल गए। मैं पति उहदा प्रभु यीशु मसीह जी दा बहुत बहुत धन्यवाद करदी आं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। इनके रुके हुए पैसे मिल गए। ये प्रोफेसर सुमनदीप की मेरे बेटे की प्रार्थना सुन रहे थे, इन्होंने रिसीव किया और परमेश्वर यीशु मसीह की दया से अगले ही दिन इनके रुके हुए पैसे मिल गए। फिर उसी दिन वीरवार रात को हम लोग प्रार्थना कर रहे थे घर पे, तो मेरे पति को प्रभु यीशु मसीह जी के दर्शन हुए। मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। हालेलुया। ये बहन बीमार थे, ठीक नहीं हो रहे थे और इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, लेकिन जब ये चमत्कार चर्च में आए, वे बिशप जी से प्रार्थना करवाई, उसके बाद बिल्कुल ठीक हैं। तो किसने कर दिया था ये मत बताइएगा, अगर आपको किसी पे शक है तो वैसे गवाही दीजिए। हाँ, हालेलुया, सारन जय मसीह दी। आ मेरी भैन अबोर तो आए ने, ते इन्हां ते किसी ने जादू टूना किया सी, ते पास्टर जी तो प्रार्थना कराई तो ठीक है। प्रभु जी सिंह दा धन्यवाद कर दें। हालेलुया। सो इस बच्ची पे, ये पंजाब से आई है, ये आपकी सिस्टर है ना? हाँ जी। ओके, तो किसी ने जादू टूना कर दिया था, लेकिन जब इन्हों ये चमत्कार चर्च में आए और इन्होंने मुझसे प्रार्थना करवाई, उसके बाद ठीक है। हाँ जी ठीक है। परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। पीते थे वे, घर में लड़ाई झगड़ा भी करते थे। जब इन्होंने वीरवार को चमत्कार चर्च में आकर प्रार्थना करवाई, उसके बाद इनके पति ने शराब नहीं पी और इनके साथ बैठकर प्रार्थना भी करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सारियां नूं जय मसीह जी। मेरे पति शराब बहुत पींदे सी, बहुत लड़ाई झगड़ा करते सी, ते हुण परमेश्वर दया नाल सब कुछ ठीक है। परमेश्वर ने बहुत बहुत बरकतां दित्तियां, सारा काम भी चलाया मेरे पिता परमेश्वर ने, सारा काम चलाया मेरे सुरखी पिता ने। मेरे च दुष्ट आत्मा सी 3 साल तो, ते हुण भी मैनूं भी चंगा कीता परमेश्वर ने। तेरा धन्यवाद करदी प्रभु जी, बहुत बहुत बरकतां दित्तियां परमेश्वर ने साडे घर च मेरे पिता। 3 साल से दुष्ट आत्मा थी आप में भी? हां जी। और आपके पति शराब पीते थे? हां जी। कितने, कब से पीते थे? बहुत चिर से पीते जी, बहुत लंबे समय से पी रहे थे और झगड़ा भी करते थे।
और प्रार्थना के बाद अब ठीक है होरा बशी दर खलस सुख बुन नी तन्नम। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस नशे से बाहर निकालने के लिए, घर में लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। मुझे याद है यह बेचारी बहन रोकर प्रार्थना करवा रही थी मुझसे कि हमारे घर में शांति हो, और प्रभु यीशु जी ने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। पूनम, यह बहन 5 महीने से प्रेग्नेंट हैं। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चा पेट में घूम नहीं रहा, वे बच्चे की धड़कन भी कम है बताई। इसके बाद इस बहन ने चमत्कार चर्च के प्रेयर टावर से प्रार्थना करवाई, वे अभिषेक का तेल लगाया, उसके बाद ये बहन ठीक है, वे बच्चा भी नॉर्मल है। जय मसीह की सारे कलेसिया नु और पास्टर जी को भी जय मसीह की। मैं 5 महीने प्रेग्नेंट हूँ। मेरे वीरवार के दिन मतलब रात से बहुत घबराहट हो रही थी, और सुबह सुबह उठ के मैंने सबको बताया मेरी घबराहट हो रही, बच्चा घूम नहीं रहा। तो सबने कहा ऐसा होता है कभी कभी, पर मेरी घबराहट नहीं जा रही थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उनसे जांचें करवाई, उन्होंने कहा कि बच्चे का धड़कन बहुत कम है और बच्चा घूम नहीं रहा, अल्ट्रासाउंड करवाओ फिर ही पता लगेगा। उसी टाइम में बहुत रो रो के प्रार्थना की और प्रेटावर में भी प्रार्थना करवाई। उसी टाइम डॉक्टर के पास ही मेरे बेटे मतलब पेट में घूमने लगा बच्चा। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु की, बहुत बहुत धन्यवाद। दो या दो से इन्हें दुष्ट आत्मा का अटैक था, जिसके कारण ये चिड़चिड़े रहते थे, वे शरीर में भारीपन महसूस करते थे। इसी 24 तारीख को शाम को ये बिशप अमरदीप जी की प्रार्थना फोन पर सुन रहे थे, और प्रार्थना सुनते ही दुष्ट आत्मा इनके शरीर से बाहर निकल गई। जय मसीह की, हालेलुया। मैं शाम को 8 बजे विश्व जी की प्रार्थना सुन रहा था, तो वो प्रार्थना में लिखा था कि जो दुष्ट आत्मा है रोएगी चिल्लाएगी और बाहर निकलेगी अभी और इसी वक्त, चाहे किसी भी कोने में बैठी हो दुष्ट आत्मा बाहर निकलेगी। मैंने वो सुन रहा था, अचानक 8 बजे मेरे शरीर में ऐसा महसूस हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा मेरे साथ। फिर मेरी पत्नी ने विश्व जी को उसी वक्त फ़ोन किया और प्रार्थना कराई शाम को। तो 2002 से ऐसी दुष्ट आत्मा? हाँ जी, इतने पुरानी पुरानी। मेरे को मान लो ऐसे मैं चलता था, मेरे को लग रहा था कि मेरे साथ कोई परछाई चल रही है। अच्छा, आपके साथ ऐसा लगता है जैसे कोई परछाई चल रही है? हाँ जी, दुष्ट आत्मा चल रही है। हाँ जी, कई घटना भी हुई थी मेरे साथ। मैं मान लो ट्रक के नीचे भी आ गया था एक बार, ट्रक के नीचे आ गए थे। हाँ जी, फिर भी बच गया। जो मेरे साथ वाला था उसके तो अभी भी लात टूटी हुई है 3 जगह। तो 2002 से दुष्ट आत्मा थी? हाँ जी। इतने साल निकल गए? हाँ जी, निकल गए। तो अब जैसे आप चमत्कार चर्च टीवी पे ऑनलाइन प्रार्थना सुन रहे थे, हाँ जी, तो लाइव जो प्रार्थना सुनते सुनते ही वो अचानक ही मान लो मेरे अंदर दुष्ट आत्मा निकल गई। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं।